बरस तू जल्दी से आना, जल्दी से आना, जल्दी से आना। है कुछ नहीं में। तो भैया ये जो हमारे इस वर्ष के परिस्थिति है, इनको तो उठा के हम अगले वर्ष के लिए मंदिर में स्थापित कर देते हैं। मंदिर पे हम ऐसे नहीं जाने देंगे, एक वर्ष तक पूजा इनको एक वर्ष तक इनकी पूजा हुई इनको विसर्जित करेंगे मित्र की माता में। फूल पानी फूल मैं डालूंगा, नीचे फूल डालो पहले, नीचे सारे डालो। तुम चल, तुम धीरे धीरे पानी डालना है, मैं इनको नवा रहा पानी। मैंने वो कबूल रखा है पानी। अभी बरस तू जल्दी से आना, जल्दी से आना, जल्दी से आना। सो गैस मैं बता दूं आपको कि मैं कहाँ हूँ। सो मैं हूँ बुलुआ में, यानी कि हमारे पड़ोस से बुलुआ आया हुआ था, क्योंकि उन्होंने पूरी एक साल के लिए भजन करवाए थे और आज उनका लास्ट दिन है। पूरा एक साल कंप्लीट हो गया है, यानी कि अनंत चतुर्दशी के दिन से उन्होंने शुरू किया था और आज अनंत चतुर्दशी के दिन ही उनका मतलब भंडारा वगैरह कर रही हैं। बहुत भजन कीर्तन हुए, बहुत मजा आया। हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग? आशा करते कि आप सब ठीक ही होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और एकदम मजे में होंगे। और ये देखो मेरा घर पूरा सोना सोना सा हो गया है, गणपति बप्पा का विसर्जन भी हो गया। ये देखो हमने घर पे ही किया है और इस पानी को ना हम गमलों में डाल देंगे तो गणपति बप्पा हमारे घर ही रहेंगे हमारे साथ। बट आज मन बहुत ज़्यादा उदास है, थोड़ी सी मैं इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि हमारे गणपति बप्पा चले गए हैं अपने धाम के लिए। तो बहुत ज़्यादा सोना सोना लगता है, सुबह शाम हम पूजा करते थे, कितना अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था सच में, क्या ही बताऊँ मैं आपको। बहुत ज़्यादा सुना सुना करके चले गए हमारे गणपति बप्पा। जो हम न्यू लेके आए थे गणपति बप्पा की मूर्ति, वो तो हमने रख ली है और जो पिछली साल की थी उसको हमने विसर्जित कर दिया है अपने घर पे ही। तो हम तुलसी के गमले में डाल देंगे इस पानी को और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा।
तो चलिए जस्ट अभी मैं जा रही हूँ अपनी बेटी के बर्थडे में। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कल तुम्हारा बर्थडे था, आज आपकी बेटी का है। तो मैं बता दूँ आपको, मेरी देवरानी की बेटी का बर्थडे है। तो देवरानी की बेटी मेरी बेटी हुई ना, तो चलिए मैं रेडी हो गई हूँ बिल्कुल। तो टाइम भी हो गया है, शाम के 7 बज गए हैं। तो चलिए चलते हैं बर्थडे में, चलते हैं। देखो कौन है अभ्य। तो चलिए चलते हैं बर्थडे में, मिलेंगे आपसे बाद में। तो चलिए साल की तरह उधर उधर सही है, चावल लगा दे, सही कर दो, ठीक है। अच्छे थे, कहते अच्छे थे, देखने गई है। अभी तो सही है, पिछले साल हो गया था पूरा। टीका कर रही है। तो यहाँ पे पापा से ये दोनों लोग बोल रहे हैं, भैया और ये दोनों भाई, कि हमारा बर्थडे याद नहीं है और नाती नातिनों का सबका याद है। तो पापा बोल रहे हैं नहीं, तुम लोगों का नहीं है याद और बच्चों का मुझे याद है। तो वही बात चल रही है यहाँ पे बर्थडे वाली, कि हमारा क्यों याद नहीं है, आपकी डायरी में तो लिखा हुआ है और अभी आप भूल गए हो। Happy birthday to you. एक बार दबे लगा दो।
क्या वो ब्लीच फेसियल हो गया। ज्यादा नहीं, उसका पूरा मुंह बिगाड़ दिया। तो दोस्तों केक कट गया है, हो गया बर्थडे सेलिब्रेशन और बच्चे देखो कितने ज़्यादा खुश हैं। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है सच में, उनको आज बर्थडे हुआ है ना और अगले नेक्स्ट बर्थडे का ना आज से दिन गिनने चालू कर देंगे कि कब आएगा कब आएगा, ऐसे ही करते हैं छोटे बच्चे। और बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं क्योंकि ना अभी इनको किसी बात की चिंता नहीं है, किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, क्या करना है कैसे करना है किसे देना है किसे लेना है कुछ नहीं करना है। यही असली लाइफ है, जो असली लाइफ होती है वो हम बचपन में ही जी लेते हैं, बाकी का बाद में तो धीरे धीरे करके हमारे ऊपर बोझ आता चला जाता है और हम धीरे धीरे करके उस बोझ के नीचे दबते चले जाते हैं। तो यही है यार। तो चलिए यहीं पे मैं इस वीडियो का एंड कर रही हूँ, हम निकल आए हैं घर के लिए। वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर कमेंट्स करके, अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।